फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. सो वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल ई पार्ट कॉम. सो टूडे फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू मेक माई वीडियो ऑन बिजनेस लॉ, बिकॉज मेरे पास डिमांड आई है कि सर प्लीज़ बिजनेस लॉ की वीडियोज़ आप बना करके पोस्ट कर दें, बिकॉज आई एम टीचिंग बिजनेस लॉ इन दिल्ली यूनिवर्सिटी NCVEB नॉन कॉलेजिएट वीमेंस एजुकेशन बोर्ड. सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपियर their second semester examination, first year BCom in Delhi University. So this video is going to help them all along with other universities, because business law all over university, all over India, Indian university same hai. So this video means business law video is going to help them for their better preparation for exams. So friends, business law mein we will first start with Indian Contract Act 1872. Indian Contract Act 1872. Indian Contract Act 1872. Indian Contract Act basically based on English Contract Act. It is basically based on English कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. इसका क्या मतलब है कि जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो हमने इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उससे ही लिया हुआ है. सो द एक्ट इज बेस्ड मेनली ऑन द इंग्लिश कॉमन लॉ एंड इट केम इन टू फोर्स इन इंडिया ऑन 1st सेप्टेम्बर 1872 से ये इफेक्ट में आया है इंडिया में. तो हम 1872 जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है हम उसको ही फॉलो करते हैं रिगार्डिंग ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स इन इंडियन कंटेक्स्ट. इंडिया में हम कोई भी एग्रीमेंट या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के प्रोविजंस को ही हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं. तो जब भी हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की बात करते हैं, तो दो वर्ड्स बहुत ही कॉमन से हैं जो हम कहते हैं, एग्रीमेंट है और कॉन्ट्रैक्ट है. दो बहुत ही फेमस वर्ड्स हैं इन एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट. हम अपने डे टू डे लाइफ में एक कॉमन मैन जो है वो अगर यूज करेगा इन दो वर्ड्स को तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों वर्ड्स जो है वो सेम है. अगर हम कहें भाई हमने तुम्हारे साथ कोई एग्रीमेंट किया है या हमने कहा कि हमने तुम्हारे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो लेमैन लैंग्वेज में अगर हम इसको देखें तो दोनों वर्ड्स क्या हैं, आपस में सिमिलर हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. लेकिन एज अ लॉ स्टूडेंट और एज अ कॉमर्स स्टूडेंट, ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है इसने इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंशिएट कर रखा है. ये दोनों वर्ड्स ही क्या हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दोनों ही वर्ड्स के अपने अलग अलग मतलब हैं. तो सर ये दोनों वर्ड्स में क्या डिफरेंस है, तो हम आगे इसको डिस्कस करने वाले हैं. तो जब हम एग्रीमेंट की बात करते हैं, तो एग्रीमेंट में हम सोशल एग्रीमेंट्स की बात करते हैं. किसकी बात करते हैं, सोशल एग्रीमेंट्स की बात करते हैं, सोशल प्रॉमिसेस की बात करते हैं. मतलब कि इसमें क्या है कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है या प्रॉमिसेस हैं बिटवीन द पार्टीज. सपोज दैट मैं हूं और मेरा कोई स्टूडेंट है तो हम दोनों ने एक दूसरे से कुछ प्रॉमिस किया है. मैंने कहा कि भाई आज हम आपको अपने यहाँ डिनर पर इन्वाइट करेंगे, या स्टूडेंट ने बोला कि सर आज मैं आपको डिनर पर इन्वाइट करूंगा. ठीक है, तो ये एक सोशल एग्रीमेंट है, सोशल प्रॉमिस है. ठीक है, तो अगर उसने बाद में उसने मुझे इनवाइट नहीं किया या मैं इनविटेशन पर उसके गया और वो उस अपनी प्लेस पर नहीं अवेलेबल था तो मैं उसको सू नहीं कर सकता हूँ. क्यों, क्योंकि वहां पर इंटेंशन जो है वो कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का नहीं था. वो एक सोशल, सिंपल से सोशल एग्रीमेंट है. जैसे डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स होते हैं, जैसे हस्बैंड एंड वाइफ में एग्रीमेंट होते हैं, फादर एंड सन में एग्रीमेंट्स होते हैं, प्रॉमिसेस होते हैं. फादर ने कहा भाई अगर आप 10th क्लास में 90% अबव मार्क्स लेकर आओगे तो मैं आपको एक अच्छी सी बाइक दिलाऊंगा, या 12th में इतने परसेंटेज ले आओगे तो मैं आपको एक अच्छी सी कार दिलाऊंगा. तो ये दीज ऑल आर सिंपली अ सोशल प्रॉमिसेस. ये एक एग्रीमेंट है, ये कोई लीगल बाइंडिंग इनका इफेक्ट नहीं है. इनका जो इंटेंशन है कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना नहीं है. तो ये जो एग्रीमेंट्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है.
तो सर ठीक है, एग्रीमेंट तो ये होते हैं, हमको पता चल गया कि सोशल प्रॉमिसेस जो हैं, हमने किसी से प्रॉमिस किया या किसी को ऑफर दिया और उसने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये हमारा प्रॉमिस हो गया आपस में, और वो प्रॉमिस हमारा क्या है, दैट इज एग्रीमेंट, वहां पे एग्रीमेंट हो गया। सर देन व्हाट अबाउट कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? तो कॉन्ट्रैक्ट में जब कहूं कि दोज एग्रीमेंट्स विच आर इन्फोर्सिबल बाय लॉ, विच आर इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज कॉल्ड एग्रीमेंट, इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट, नॉट एग्रीमेंट, सॉरी माई मिस्टेक, इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन एच, ये जो हमने डिफाइन किया है, दिस डेफिनेशन इज गिवन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज एच ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कि एग्रीमेंट्स विच आर इन्फोर्सिबल बाय लॉ, एग्रीमेंट्स विच आर इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका मतलब अगर मैं इसको और सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करूं, तो अगर इसको मैं इक्वेशन फॉर्म में देखूं, तो एग्रीमेंट हमारा एग्रीमेंट है बिटवीन टू पार्टीज, हमने कोई दो पार्टीज में के बीच में हमने प्रॉमिस किया, एग्रीमेंट किया, एंड दोज एग्रीमेंट्स आर बैक्ड विद एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अभी हम आगे पढ़ेंगे कुछ 10 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो जब एग्रीमेंट और प्लस एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दोनों को मिक्स करेंगे, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट, वो हमारा क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। इसका क्या मतलब है कि जो एग्रीमेंट्स हैं वो लीगली बाउंड नहीं होते हैं, वो इंटेंशन वहां पे हमारा क्या है, लीगल लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का नहीं होता है, जबकि जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स में हम लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, हम वहां पर क्या करते हैं, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। तो एक हिसाब से अगर हम देखें, अगर हम कहें कि जितने भी सोशल एग्रीमेंट्स हैं, जितने भी सोशल प्रोमिसेस हैं, वो क्या हैं, एग्रीमेंट्स हैं, और जो कमर्शियल एग्रीमेंट्स हैं, जनरली जो कमर्शियल एग्रीमेंट्स होते हैं वो हमारे क्या हैं, कमर्शियल एग्रीमेंट्स हमारे क्या हैं, वो हमारे लिए कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट हैं भी, क्योंकि कमर्शियल एग्रीमेंट में प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हर चीज होगा, उसमें एसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे जो अंडर सेक्शन 10 दिए हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, जो कि भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो वो फिर हमारे क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाते हैं। तो अगर इस बेसिस पे देखा जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, हम ये कह सकते हैं कि ऑल एग्रीमेंट्स, सॉरी नॉट ऑल एग्रीमेंट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, हम कह सकते हैं कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये जनरली क्वेश्चन में आता ही है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। तो हमें इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है, तो सिंपल हमको क्या करना होता है, हमको पता है कि एग्रीमेंट जो है एक वाइडर कॉन्सेप्ट है जिसमें सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को इंक्लूड करता है, लेकिन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट हैं, सॉरी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट है ये तो हम कह सकते हैं, लेकिन सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट हैं ये हम नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक एग्रीमेंट्स में हमारा लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना नहीं होगा इंटेंशन, या जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो फुलफिल नहीं होंगे, तब तक वो एग्रीमेंट्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर जो है हमको इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है कि ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन। तो इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सारे एसेंशियल एलिमेंट्स हमको क्या करने होते हैं, एक्सप्लेन करने होते हैं। तो फ्रेंड्स हमने इस चीज में इसमें देखा कि भी जो सेक्शन 2 क्लॉज एच में कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दी है वो हमें दी है कि एग्रीमेंट विच इज एग्रीमेंट्स विच आर इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो हमने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पढ़ ली कि भाई कॉन्ट्रैक्ट ये है। अब सर कॉन्ट्रैक्ट तो हमने समझ लिया अच्छे से और एग्रीमेंट के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, लेकिन अब एग्रीमेंट क्या होता है आप इस चीज को बताएंगे प्लीज। तो एग्रीमेंट क्या होता है, तो फ्रेंड्स हम आगे एग्रीमेंट को डिस्कस करने वाले हैं कि एग्रीमेंट क्या होता है। तो द डेफिनेशन ऑफ एग्रीमेंट इज गिवन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज ई ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस
एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट, इज एन एग्रीमेंट. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर इच अदर. मैंने किसी को प्रॉमिस किया, ठीक है, तो उसने भी मुझे प्रॉमिस किया, ठीक है, तो ये हो गया सेट ऑफ प्रॉमिसेस. हमने उसको कुछ प्रॉमिस किया, फिर उसने भी मुझे कुछ प्रॉमिस किया. जैसे मैंने कहा कि भाई मैं अपने स्टूडेंट्स को प्रॉमिस करता हूँ कि भाई आप मुझे अपने घर में, मैं आपको एक बिजनेस लॉ का एक टॉपिक पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से, बट इसके लिए आपको मुझे अपने घर पर दावत देनी पड़ेगी, इन डिनर पर इन्वाइट करना पड़ेगा. तो उसने कहा ठीक है, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपको डिनर पर इन्वाइट करूंगा. और मैंने भी प्रॉमिस किया कि मैं तुमको लॉ का ये टॉपिक जो है अच्छे से तुमको पढ़ाऊंगा. तो वहां पर क्या है कि मैंने भी प्रॉमिस किया, उसने भी प्रॉमिस किया. तो एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर. कंसिडरेशन वैसे तो बहुत ही, इसको अलग से हम एक्सप्लेन, इसका पूरा अलग से चैप्टर है जो कि हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे. अभी फिलहाल कंसिडरेशन में क्या है? एन एक्ट ऑफ डूइंग और नॉट टू डू समथिंग, एन एक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग, ठीक है. उसमें और भी चीजें हैं, एब्सटेंस है, ठीक है, तो हम उसको बाद में देखेंगे. फिलहाल कंसिडरेशन इतना लेमैन लैंग्वेज में कंसिडरेशन समझो कि हमने आपके लिए कुछ किया, उसके फेवर में आपने मेरे लिए कुछ किया, दैट इज कंसिडरेशन. मैंने कहा कि मैं आपको क्या कहते हैं कि आपके लिए मैं ये काम करूंगा या मैं आपको ट्यूशन पढ़ाऊंगा, लेकिन इसके बदले में आपको मिस्टर ए हैं उनसे बात नहीं करनी है, तो दिस इज एक्ट ऑफ एब्सटिनेंस. मैंने आपको मना कर दिया कि वो काम आपको नहीं करना है, तो ये भी मेरे लिए, तुम्हारे लिए कंसिडरेशन, मतलब मेरे स्टूडेंट के लिए कंसिडरेशन क्या है? मैं उसको पढ़ाऊंगा. और मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है कि वो उससे बात नहीं करेगा, वो मेरे लिए कंसिडरेशन है. एन एक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग और एब्सटिनेंस टू डू समथिंग, ये क्या है? कंसिडरेशन में आता है. तो फिलहाल कंसिडरेशन अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे कंसिडरेशन मतलब क्या है कि जो हमने एक दूसरे से प्रॉमिस किया है, उस प्रॉमिस में हमारा कंसिडरेशन अगर है तो दैट इज योर एग्रीमेंट. अच्छा, कंसिडरेशन कैन बी इन मनी और कैन नॉट बी इन मनी. ऐसा जरूरी नहीं कि कंसिडरेशन सिर्फ पैसों में ही हो. मैंने कहा भाई मैं तुमको ट्यूशन पढ़ाऊंगा, तुम मुझे 1,000 रुपये फीस दो, वो भी कंसिडरेशन है, दैट इज मॉनिटरी कंसिडरेशन. लेकिन जरूरी नहीं कि वो हमेशा मॉनिटरी कंसिडरेशन ही हो. कंसिडरेशन कैन बी नॉन मॉनिटरी ऑल्सो, ठीक है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कुछ भी हो सकता है कंसिडरेशन, ठीक है. तो मैंने बताया कि एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट. तो हमने यहाँ पे एग्रीमेंट डिस्कस कर लिया. पहले हमने कॉन्ट्रैक्ट में डिस्कस किया तो एग्रीमेंट आया, फिर एग्रीमेंट की डेफिनेशन डिस्कस की, तो वहां से हमको एक और टर्म पता चला कि सर ये प्रॉमिस क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉमिस. अब वैसे तो अगर नॉर्मल लैंग्वेज में हम देखेंगे प्रॉमिस का मतलब वादा, मैंने तुमसे कुछ वादा किया, तुमने मुझसे कुछ वादा किया, दैट इज कॉल्ड प्रॉमिस. लेकिन अगर इसको हम लॉ की लैंग्वेज में समझें, लॉ की लैंग्वेज में समझें, तो इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज बी, A proposal when accepted, a proposal when accepted becomes promise. A proposal when accepted becomes promise. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हमने किसी को कुछ प्रपोजल दिया और वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, मतलब हमने कुछ ऑफर दिया और वो ऑफर मेरा एक्सेप्ट हो गया. इसका मतलब ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है. सपोज दैट मैंने कोई मिस्टर ए हैं, यहाँ पे मैं मिस्टर ए का एग्जांपल लेता हूँ. मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने मिस बी को ऑफर दिया मैरिज प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल दिया उसने, शादी को ऑफर दिया. मिस बी ने उस शादी के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, उस बी उस प्रपोजल को क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया. तो प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस. अब क्या है, मिस्टर ए ने बी को प्रॉमिस किया है और बी ने ए को प्रॉमिस किया है कि हम दोनों शादी करेंगे, तो दिस इज कॉल्ड प्रॉमिस. तो प्रॉमिस क्या है, अंडर सेक्शन 2 क्लॉज बी, अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस. चाहे वो शादी का वादा हो, चाहे किसी भी चीज का. मैंने कहा भाई आज आपको मैं बारबेक्यू लेकर चलूंगा डिनर के लिए, मैंने प्रपोजल दिया, ऑफर दिया, एंड यू हैव एक्सेप्टेड दैट ऑफर, नाउ इट बिकम्स अ प्रॉमिस, इट बिकम्स अ प्रॉमिस. अब प्रॉमिस में अगर हम दोनों के लिए कुछ कंसिडरेशन है, मैंने तुम्हारे तुमको प्रॉमिस किया, तुमने उसको एक्सेप्ट किया, अब उसके मेरा भी कुछ कंसिडरेशन है, तुम्हारे लिए भी कोई कंसिडरेशन है, तो अ प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एग्रीमेंट. फिर एग्रीमेंट से क्या आएंगे, हम कॉन्ट्रैक्ट पर आएंगे, ठीक है. तो इस तरह से हमारी एक में एक करके हमारी डेफिनेशंस क्या हैं, बनती आ रही हैं, ठीक है. तो यहां पर हमारा क्या है,
कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब कि एग्रीमेंट होने के लिए, या हम कहें कि क्योंकि एग्रीमेंट तब होगा जब ऑफ प्रॉमिस होगा, और प्रॉमिस तब होगा जब ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होगा। तो पहला क्या है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस शुड बी देयर, दूसरा क्या है प्रॉमिस, तीसरा क्या है एग्रीमेंट, फिर क्या है कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जो होता है दैट शुड बी बिटवीन टू पार्टीज। ऐसा नहीं कि मैंने अपने आप से ही कहा कि भाई बारबेक्यू चलोगे, मैंने कहा हाँ ठीक है चलेंगे, तो मैंने अपने आप से ही वादा किया और मैंने अपने आप से ही एक्सेप्ट कर लिया, दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे एट ऑल। तो यहां पे क्या है कि अपने खुद से मैं वादा नहीं कर सकता हूं, प्रॉमिस कैन नॉट बी मेड बाय सेल्फ। कोई भी पर्सन अपने आप से वादा नहीं कर सकता, वो अलग ही दुनिया है जो अपने आप से वादा करके, खुद से एक्सेप्ट करके जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ये यहां पर वो चीज इंप्लाई होती है कि एग्रीमेंट में, कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कि जो प्रॉमिस है अगर हम उसको एग्रीमेंट पे करना चाहते हैं तो उसको हमें एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि प्रॉमिस के लिए दो पार्टीज का होना जरूरी है, जिसमें एक पार्टी ऑफर देगी, दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करेगी, देन इट विल बिकम अ वैलिड प्रॉमिस। तो विदाउट ऑफर एंड एक्सेप्टेंस देर विल बी नो प्रॉमिस, एंड विदाउट प्रॉमिस देर विल बी नो एग्रीमेंट, एंड विदाउट एग्रीमेंट देर विल बी नो एनी कॉन्ट्रैक्ट। तो हमने पूरा एक आपको एक स्टीयर टाइप में बना दिया, बता दिया कि कैसे कैसे डेफिनेशंस निकल रही हैं, आ रही हैं। अब हम आते हैं जो हमने एक स्टेटमेंट फ्रेंड्स आपको बताया था कि एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। तो ठीक है, मैंने बताया कि सभी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्रीमेंट है और सभी एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो सभी एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि इट माइट बी पॉसिबल कि वो जो एग्रीमेंट्स हैं दैट इज नॉट बैक्ड अप विद एसेंशियल एलिमेंट्स। तो एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच इज गिवन अंडर सेक्शन 10। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब तक ये एसेंशियल एलिमेंट्स किसी एग्रीमेंट के साथ कंबाइंड नहीं होंगे तब तक वो एग्रीमेंट हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। वो कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब ये सारे एसेंशियल एलिमेंट्स एग्रीमेंट के साथ कंबाइन हो जाएं। जैसे मैंने इक्वेशन बनाया था, एग्रीमेंट प्लस एसेंशियल एलिमेंट इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। तो उसमें क्या है, पहला एसेंशियल एलिमेंट क्या है, पहला एसेंशियल एलिमेंट है लीगल ऑब्लिगेशन। मैंने पहले ही बताया था कि जो सोशल एग्रीमेंट्स हैं दे आर नॉट इंटेंडेड टू क्रिएट एनी लीगल रिलेशनशिप, उनका इंटेंशन कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का होता ही नहीं है। वहां पर सिंपली हमने कोई सोशल प्रॉमिस क्या फुलफिल कर दी तो इट्स फाइन, फुलफिल नहीं किया तो वो सेकंड पार्टी मुझे सू नहीं कर सकती है एट ऑल। ऐसा नहीं कि वो कहेगी आई विल सू यू इन द कोर्ट ऑफ लॉ क्योंकि तुमने मुझे कभी पापा बेटे को सुना है कि पापा तो आपने मुझे साइकिल नहीं दिलाई, मैं आपको कोर्ट में घसीटूंगा। नो, नॉट एट ऑल। पापा कहेगा चल निकल घर से बाहर। ठीक है, तो इन दैट केस वो सोशल एग्रीमेंट्स उनका कोई भी इंटेंशन नहीं होता है वहां पर लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का। तो जब तक एग्रीमेंट में लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंशन नहीं होगा, लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट करने का नहीं होगा, तब तक कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एलिमेंट ऑफ एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस। तो वहां पर उनका कोई भी इंटेंशन ऐसा नहीं होता है लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का। तो जब तक हमारा इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का नहीं होगा तब तक हम उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे, क्योंकि वहां पे फिर वो एसेंशियल एलिमेंट नहीं होगा। दूसरा है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, दूसरा है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑल दो ऑफर एक्सेप्टेंस पहले ही मान लो, क्योंकि पहले ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होगा, फिर प्रॉमिस होगा, फिर एग्रीमेंट होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मैंने पहले ही डिस्कस किया है कि जब तक कि हम किसी दूसरे पार्टी को या अनदर पार्टी को कोई ऑफर नहीं देंगे और वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं होगा तब तक वो हमारा एग्रीमेंट नहीं होगा, और जब तक कोई एग्रीमेंट नहीं होगा तब तक वहां पर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या है कि देयर मस्ट बी एन ऑफर मेड बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन या टू अनदर पार्टी, एंड दैट अनदर पार्टी शुड एक्सेप्ट दैट ऑफर अंटिल एंड अनलेस दोज ऑफर्स आर एक्सेप्टेड that cannot be your promise and then that cannot be your agreement। तो जब तक offer and acceptance नहीं है तब तक वहां पर कोई भी contract नहीं है। तो second essential element क्या था, offer and acceptance। third है lawful consideration, lawful consideration।
कंसिडरेशन मैंने कहा कि कंसिडरेशन शुड बी देयर, कंसिडरेशन मतलब इन रिटर्न ऑफ समथिंग, ठीक है, द एक्ट ऑफ टू डू और नॉट टू डू समथिंग, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. कंसिडरेशन मतलब क्या है, इन रिटर्न ऑफ समथिंग, दैट इज कंसिडरेशन. तो यहाँ पर क्या है कि जो कंसिडरेशन होना चाहिए दैट शुड बी लॉफुल कंसिडरेशन, कोई इलीगल कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि मैं तुमको 10,000 रुपये दूंगा, तुम जा करके मेरे लिए किसी के घर से वो सामान चोरी करके लेकर आ जाओ. नो, दैट कैन नॉट बी अ लॉफुल कंसिडरेशन. मैंने उसको पैसे दिए वो उसके लिए कंसिडरेशन है, वो मेरे लिए चोरी करके लेकर आएगा वो मेरे लिए कंसिडरेशन है, बट दैट कंसिडरेशन इज नॉट अ लॉफुल कंसिडरेशन, दैट इज इलीगल, दैट इज प्रोहिबिटेड अंडर द लॉ, दैट इज नॉट अलाउड. ये जो है वो लॉ के प्रोविजन्स को वायोलेट करता है. तो जब तक हमारा कंसिडरेशन जो है लॉफुल नहीं होगा तब तक हमारा वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. नेक्स्ट है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज. कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट मस्ट बी लीगली कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. वो जो है लीगली कैपेबल होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए. दैट मीन्स पार्टीज टू एन एग्रीमेंट मस्ट बी कंपिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ. जब तक कि जो पार्टीज हैं दोज पार्टीज आर नॉट कंपिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट अंटिल एंड अनलेस दैट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ. अंडर सेक्शन 11 इट इज मैंशनड दैट द एक्ट एवरी पर्सन, सेक्शन 11 ऑफ द एक्ट मैंशन दैट एवरी पर्सन हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ मेजोरिटी. अब भाई कंपिटेंट पर्सन कौन है, अ पर्सन हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ मेजोरिटी, मतलब कि जो माइनॉरिटीज हैं, जो माइनॉरिटी हैं, जो बिलो एज ऑफ 18 है, दे आर नॉट कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. ऑफ साउंड माइंड, साउंड माइंड का है, एंड इज नॉट डिसक्वालिफाइड बाई कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब कि उसके ऊपर कोई केस ना चल रहा हो, दैट इज नॉट इन्वॉल्व इन एनी कन्विक्ट ऑफ एनी क्रिमिनल लॉ, ठीक है, तो उसमें क्या है वो डिसक्वालीफाई ना हुआ हो बाई कॉन्ट्रैक्टिंग टू एनी अदर पर्सन. अगर वो डिसक्वालीफाई है तो दैट इज ऑल्सो नॉट कम्पिटेंट. तो एनी पर्सन हु हैज अटेंड द एज ऑफ मेजोरिटी, हु इज ऑफ साउंड माइंड, हु इज नॉट डिसक्वालीफाइड टू कॉन्ट्रैक्ट, इन दैट केस दे आर कम्पिटेंट पर्सन और उनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है. लेकिन अगर हमने किसी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है. लेकिन हाँ कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे पार्टनरशिप के केस में माइनर एज अ पार्टनर हो सकता है, तो वो एक्सेप्शंस हम बाद में डिस्कस करेंगे. लेकिन फिलहाल के लिए माइनर के साथ कोई भी एग्रीमेंट वैलिड नहीं है. उसके अलावा कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन है, ठीक है, उसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है. लेकिन हाँ कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन है जो कि फॉर टाइम बिंग कभी कभी वो साउंड माइंड का हो जाता है और कभी कभी वो अनसाउंड माइंड का हो जाता है. बहुत लोग ऐसे होते हैं, कभी कभी ठीक होते हैं फिर कभी कभी उनके अंदर पागलपन सा आ जाता है. तो जब तक वो ठीक है तब तक उनके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं. लेकिन जब उनके ऊपर पागलपन का दौरा आ जाता है इन दैट केस दे आर नॉट कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है. तो जब तक वो साउंड माइंड के हैं इन दैट कंडीशन दे आर कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, बट जब वो अनसाउंड माइंड के हैं तो इन दैट केस दे आर नॉट कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. या कोई डिसक्वालीफाइड, जैसे कोई चोर है या कोई किसी ने मोरल टर्पिट्यूड किया हुआ है या कोई कन्विक्टेड है तो कोर्ट ने उसको डिसक्वालीफाई कर रखा है कोई कॉन्ट्रैक्ट करने से, तो इन दैट केस ऑल्सो ही कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट, एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल. तो कैपेसिटी ऑफ पार्टीज होगी. नेक्स्ट है फ्री कंसेंट. फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट का मतलब क्या है? द टर्म कंसेंट इंप्लाइज दैट द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट, पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट शुड मीन द सेम थिंग, शुड मीन द सेम थिंग इन द सेम सेंस एंड वॉलेंट्री एग्री टू द सेम थिंग. इसका क्या मतलब है? अगर मैंने सामने वाले को कोई बात कही है तो उस सामने वाले को वो बात सेम थिंग में ही कन्वे होना चाहिए और वो सेम थिंग में ही उसको एक्सेप्ट होना चाहिए. वहां पर कोई मतलब कि ऐसा नहीं कि मैं उसके ऊपर कोई दबाव बना रहा हूं या उसके ऊपर कोई अपनी पोजिशन का फायदा उठा रहा हूं, तो वहां पर वो क्या है, फ्री कंसेंट नहीं होगा. तो कंसेंट इज सेट टू बी फ्री, कंसेंट इज सेट टू बी फ्री इफ इट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज फैक्टर्स. अब वो फैक्टर्स क्या हैं? पहला तो है कॉर्शन, किसी के ऊपर दबाव बनाना. गन पॉइंट पे मैंने कहा कि चलो ये तुम्हारे प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं इस पर साइन करो, दैट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दैट कैन बी वॉइडेबल. अभी तो वैलिड है लेकिन बाद में वॉइडेबल हो सकता है,
मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि मैंने कोर्शन नहीं किया था, ठीक है। वो बाद में हम आगे पढ़ेंगे, फ्री कंसेंट हम आगे पूरा चैप्टर उसमें डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल मैं मोटे मोटे तौर पर बता रहा हूँ। तो अ पर्सन अ कंसेंट इज सेट टू बी फ्री इफ इट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाई कोर्शन। सेकेंड है अनडू इन्फ्लुएंस। अनडू इन्फ्लुएंस मतलब क्या है कि मास्टर अपने स्लेव पर कोई अपनी पोजिशन का फायदा, जैसे टीचर है वो कहता है भाई मेरा ये काम कर दो या इस पर ये साइन कर दो या मेरे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर दो वरना मैं तुमको एग्जाम में फेल कर दूंगा, या बॉस है वो अपने एम्प्लॉयज पे कुछ अनडू अपनी पोजिशन का नाजायज फायदा उठा करके उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कराए, तो दिस इज कॉल्ड अनडू इन्फ्लुएंस। तो वहां पर भी वो क्या है, वहां पर फ्री कंसेंट नहीं है। फिर उसके बाद क्या है, फ्रॉड। फ्रॉड फ्रॉड क्या है, हम किसी के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, हमको पता है कि ये चीज़ गलत है लेकिन हम जान जान करके उसको चीट कर रहे हैं, डिसीव कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब, हम उसके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। मिसरिप्रेजेंटेशन, मिसरिप्रेजेंटेशन कोई बात है उसको हम मिसरिप्रेजेंट कर रहे हैं, आगे हम इस चीज़ को डीपली डिस्कस करेंगे। और एंड में है मिस्टेक। तो अगर इन पांच फैक्ट कोई कॉन्ट्रैक्ट कंसेंट जो है इन पांच फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड नहीं है तो इन दैट केस द कंसेंट इज सेट टू बी फ्री, वो कंसेंट जो है फ्री है और वो हमारा फिर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इसको चेंज करते हैं। नेक्स्ट हमारा है लॉफुल ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हमारा है लॉफुल ऑब्जेक्ट। सॉरी सम टेक्निकल एरर इज देयर। ओके, सो लॉफुल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, लॉफुल ऑब्जेक्ट। लॉफुल ऑब्जेक्ट में क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्टिव है, जो कॉन्ट्रैक्ट का एम है, दैट शुड बी लॉफुल, मींस दैट ऑब्जेक्टिव शुड नॉट बी प्रोहिबिटेड बाय लॉ ऑफ कंट्री। तो इसका क्या मतलब है कि अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो प्रोविजंस को वायलेट करता है या जो इंडियन एक्ट के अगेंस्ट है, जो कि किसी एक्ट के प्रोविजंस को वायलेट करता है, तो इसका क्या मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, लॉफुल नहीं है, एंड इन दैट केस दैट एग्रीमेंट और दैट कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड और वॉइडेबल। तो इसका क्या मतलब है, द पर्पज ऑफ द एग्रीमेंट इज मस्ट बी लॉफुल। जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, पर्पज होना चाहिए, वो लॉफुल होना चाहिए। जैसे कि ए ने बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, ए ने बी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है कि भाई मैं तुमको 10,000 रुपीज या बहुत सस्ता है 1,00,000 रुपये ले लो, 1,00,000 रुपये दूंगा, तुम मिस्टर सी को जान से मार दो, यू हैव टू किल मिस्टर सी। तो सिंस द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज इलीगल, अनलॉफुल, तो इन दैट केस द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो द ऑब्जेक्ट, द पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शुड बी लॉफुल और लीगल। नेक्स्ट क्या है, सेवेंथ है राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन। राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन, इसका क्या मतलब है कि एवरी कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इन रिटन फॉर्म एंड शुड बी रजिस्टर्ड, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन फीस, प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी शुड बी पेड बाय दैट पर्टिकुलर पर्सन, देन ओनली दैट कॉन्ट्रैक्ट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब प्रॉपर उसका रिटन एग्रीमेंट हो, उसकी प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी पेड हो, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हो, ठीक है, प्रॉपर मतलब हर चीज़ उसका पूरा लीगल तौर पे वो क्लियर हो,
राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन उसकी कंप्लीट हो, देन ओनली इट विल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्या है? सर्टेनिटी। सर्टेनिटी, सर्टेनिटी का मतलब क्या है कि द पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी सर्टेन और कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन। सपोज दैट मिस्टर ए ने मिस्टर बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है कि भाई उनकी लैंड पे जितने भी आम होंगे, मैंगोज होंगे, उसको वो उन्हीं को सेल करेंगे। ऑल दो अभी कोई आम नहीं है वहां पर, लेकिन फ्यूचर में, अभी तो खैर सर्टेन नहीं है क्योंकि वहां पे तो कोई आम नहीं है, लेकिन फ्यूचर में इस चीज को सर्टेन बनाया जा सकता है। हो सकता है उनके पेड़ लैंड पर जो है आम हैं, आम के पेड़ हैं, तो मार्च या अप्रैल मई के महीनों में आम उसमें आ जाए। तो इसका मतलब क्या है कि जो ऑब्जेक्टिव है या जो पर्पज है, दैट इज कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन, या सर्टेन ही है, मतलब उनके पास आम है खेत में और उन्होंने बेचने का वादा किया है, तो दैट इज सर्टेन। लेकिन अगर आम नहीं है, पहले से एडवांस में उन्होंने वादा कर रखा है, तो उसका मतलब क्या है कि वहां पर हम उसको सर्टेन बना सकते हैं, इट इज बीइंग कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन। लेकिन हमने उनसे वादा कर लिया कि हमारे जमीन में जितने पेड़ आम होंगे वो मैं आपको ही बेचूंगा 10 रुपीज पर केजी के हिसाब से, लेकिन ना मेरे पास जमीन है, ना उसमें कहीं पेड़ हैं, ना कहीं उसमें आम है, इट इज अनसर्टेन। वहां पे कोई कैपेबिलिटी है ही नहीं कि उसको सर्टेन बनाया जा सकता है। तो इन दैट पर्टिकुलर केस, सिंस द ऑब्जेक्टिव या द पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट सर्टेन, दैट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो द पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शुड बी सर्टेन और कैपेबल ऑफ बींग मेड सर्टेन। वहां पर अगर कैपेबिलिटी है कि उसको सर्टेन बनाया जा सकता है तो भी वो क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेकिन अगर कैपेबिलिटी भी नहीं है, दैट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। फिर नेक्स्ट क्या है? पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट में जो एक्ट्स हैं, जो जिस पर्पस के लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है, दोज पर्पस शुड बी पॉसिबल टू परफॉर्म। मतलब अगर कोई ऐसा एक्ट है या कोई ऐसा पर्पस है कॉन्ट्रैक्ट में जिसको हम, जिसकी परफॉर्मेंस कोई पॉसिबल है ही नहीं, जैसे मैंने कहा भाई तुम मुझे 100 रुपए तो मैं तुमको जादू करके दिखाऊंगा या मैं तुमको हवा में उड़ के दिखाऊंगा, दैट इज नॉट अ पॉसिबल एक्ट। इट इज इम्पॉसिबल कि मैं हवा में उड़ जाऊं, ठीक है, या इट इज इम्पॉसिबल कि मैं तुमको जादू दिखा दूं। तो अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट का जो पर्पज है या कोई परफॉर्मेंस है वो पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है, तो इन दैट केस ऑल्सो दैट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एंड लास्ट जो एसेंशियल एलिमेंट है, मैंने कहा था अंडर सेक्शन 10 देयर आर 10 एसेंशियल एलिमेंट्स, अंडर सेक्शन 10 देयर आर 10 एसेंशियल एलिमेंट्स। तो जो 10वां लास्ट है, दैट इज एग्रीमेंट्स नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, इसका क्या मतलब है? अंडर सेक्शन 26, 27, 28 एंड सेक्शन 30 देयर आर सर्टेन एग्रीमेंट्स विच आर एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। मतलब वो कितना भी उस सब सारे एसेंशियल एलिमेंट्स फुलफिल करते हो, बट स्टिल दे आर डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द प्रोविजन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। सेक्शन 26, सेक्शन 27, सेक्शन 28 एंड सेक्शन 30, ये चार सेक्शंस ऐसे सेक्शंस हैं जिन्होंने पहले ही कह दिया भाई अगर तुम ये कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही वॉइड है। वॉइड एब इनिशियो, वॉइड एब इनिशियो बहुत ही इसमें यूज होता है। वॉइड एब इनिशियो मतलब क्या है कि फ्रॉम द फर्स्ट इंस्टेंस इट इज इनिशियल, मतलब पहली बार जो फर्स्ट इंस्टेंस था, जब जिस वक्त हमने इसको बनाया था, जिस वक्त हमने इसको कॉन्ट्रैक्ट में हम एंटर हुए थे, उस वक्त से ही वो वॉइड है, तो वो वैलिड हो ही नहीं सकता। तो जो एग्रीमेंट्स हैं अगर वो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड हैं, जैसे इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज है, इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे अभी बहुत डीपली इसको हम डिस्कस करने वाले हैं, एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, बहुत सारे एग्रीमेंट्स ऐसे हैं। तो ऐसे एग्रीमेंट्स जो कि एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड हैं, उस तो ऐसे एग्रीमेंट्स अगर हम करते हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स अगर करते हैं, तो दे आर नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो फ्रेंड्स, ये जो हमने 10 एसेंशियल एलिमेंट्स हमने डिस्कस किए हैं, इफ दे ऑल आर बैक्ड विद एग्रीमेंट, मींस एग्रीमेंट प्लस ऑल दीज 10 एसेंशियल एग्रीमेंट्स, मींस एग्रीमेंट प्लस ऑल दीज 10 एसेंशियल एलिमेंट्स, ई स्टैंड्स फॉर एसेंशियल एलिमेंट्स, इज इक्वल टू
इज इक्वल टू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इज इक्वल टू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो जब एग्रीमेंट्स के साथ इसको हम कंबाइंड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, जो स्टेटमेंट हमने पढ़ा कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, तो वो हमारा जो क्या कहते हैं कि सपोर्ट होगा वो इन 10 एसेंशियल एलिमेंट्स से सपोर्ट होगा। उस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए हमें ये 10 एलिमेंट्स जो सेक्शन 10 में दिए हुए हैं हमें एक्सप्लेन करना होगा। नाउ गाइज, आई एम गोइंग टू डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की टाइप्स क्या हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कि कितने टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं डिपेंडिंग ऑन इन्फोर्सिबिलिटी, डिपेंडिंग अपॉन इन्फोर्सिबिलिटी एंड द एक्सटेंड टू विच दे कैन बी इन्फोर्स्ड। डिपेंडिंग ऑन इन्फोर्सिबिलिटी देयर वेरियस कॉन्ट्रैक्ट्स लाइक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स, पहला क्या है वैलिड, दूसरा क्या है वॉइड, और तीसरा क्या है वॉइडेबल। बहुत ही छोटे छोटे से डिफरेंस हैं, मैं ऐसे पढ़ के तुमको बता देता हूँ। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोज कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर वैलिड, जिसमें सारे 10 एसेंशियल एलिमेंट्स जो हमने डिस्कस किए हैं वो सारे 10 एसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो वो हमारे क्या है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। एग्रीमेंट प्लस ऑल 10 एसेंशियल एलिमेंट्स दैट इज इक्वल टू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, मैंने पहले बताया। दूसरा क्या है वॉइड, वॉइड क्या है कि एनी एग्रीमेंट which is not, which is missing any of 10 essential elements, that is voided. And that contract is void ab initio. इसका मतलब क्या है, वो शुरू से ही void है, वो initial stage से ही void है, मतलब कि वो contract valid नहीं है क्योंकि उसमें कोई ना कोई एक essential element है, चाहे वो offer and acceptance हो, वो absence हो, उसका purpose जो हो illegal हो या unlawful हो, उसमें कोई consideration ना हो, ठीक है, उसमें क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं कि वो expressly declared void हो, या उसमें परफॉर्मेंस उसकी पॉसिबिलिटी ना हो, या अनसर्टेनिटी हो, तो वो क्या है, वो वॉइड एब इनिशियो है, वो स्टार्टिंग से ही वॉइड है, फर्स्ट इंस्टेंस से ही वॉइड है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं स्टार्टिंग में तो वैलिड थे, स्टार्टिंग में वो क्या थे वैलिड थे, लेकिन फ्यूचर में वो वॉइड हो गए। जैसे सपोज दैट मिस्टर ए ने मिस्टर बी के से कोई पेपर साइन करवाया कि भाई अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, वो गन पॉइंट पर उन्होंने करवाया, वो गन पॉइंट पे करवाया, अब क्योंकि वो फ्री कंसेंट पे नहीं था, अभी तो वैलिड है कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन बाद में अगर ये प्रूफ हो जाता है कि भाई इसकी कंसेंट फ्री नहीं थी और गन पॉइंट पे इसे साइन करवाया गया, तो बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। इसका क्या मतलब है कि जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो वॉइड एब इनिशियो नहीं होते हैं, स्टार्टिंग में तो वैलिड है लेकिन बाद में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, वॉइड हो जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स which might become void in future subject to some circumstances, कुछ ऐसे circumstances हो गए जिसकी वजह से वो void हो गए, तो they are called voidable contracts, उनको हम क्या बोलते हैं, voidable contracts बोलते हैं। फिर next है illegal contracts, illegal contracts क्या हैं, illegal contracts तो वो है जो unenforceable हैं, वो contracts हैं ही नहीं, वो इलीगल हैं, वो लॉ के प्रोविजंस को वॉयलेट करते हैं, वो लॉ के प्रोविजंस को क्या करते हैं, वॉयलेट करते हैं, दे आर कॉल्ड इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स। डिपेंडिंग अपॉन ऑल ऑब्लिगेशंस मींस एग्जीक्यूट, डिपेंडिंग ऑन एग्जीक्यूशन, डिपेंडिंग अपॉन एग्जीक्यूशन, डिपेंडिंग ऑन एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन, there are two types of contract, पहला है executed contract, executed contract, और दूसरा है executory contract, executory, executory contract। executed contract का मतलब क्या है कि contract में दो parties हैं, two या more parties हैं, तो जो parties हैं मतलब सभी पार्टीज ने अपने जो ऑब्लिगेशंस हैं वो फुलफिल कर दिए हैं। सपोज दैट मैंने मिस्टर ए, मैं हूँ, मैंने अपने किसी स्टूडेंट से प्रॉमिस किया कि भाई मैं आपको लॉ में ये टॉपिक पढ़ाऊंगा और आप मुझे डिनर कराना, तो मैंने उसको वो लॉ का वो टॉपिक भी पढ़ा दिया और उसने मुझे अब डिनर भी करा दिया, मतलब मैंने भी अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल कर दिया, उसने भी अपना ऑब्लिगेशन क्या किया, फुलफिल कर दिया।
हम दोनों ने ही अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर दिए, तो दैट कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया है। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, इधर वन और बोथ ऑफ द पार्टीज आर येट टू बी परफॉर्म दियर ऑब्लिगेशंस, आर येट टू बी परफॉर्म दियर ऑब्लिगेशंस। इसका क्या मतलब है कि मैं या सपोज दैट मैंने जो वादा किया था उसने मुझे डिनर तो करा दिया लेकिन मैंने अभी तक उसको लॉ का टॉपिक पढ़ाया नहीं है, या मैंने उसको लॉ का टॉपिक पढ़ा दिया और उसने मुझे अपना अभी तक अपना जो ऑब्लिगेशन था वो फुलफिल नहीं किया, उसने मुझे अभी तक डिनर नहीं कराया है। यह हो सकता है हम दोनों ने ही अभी तक फुलफिल ना किया, मैंने कहा चलो परसों मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं परसों तुमको करा दूंगा, परसों डिनर भी कर लूंगा। तो इसका क्या मतलब है, इधर वन और बोथ ऑफ द पार्टीज आर येट टू परफॉर्म दियर ऑब्लिगेशन, इन दैट केस दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, दैट इज येट टू बी एग्जीक्यूटेड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ हाउ इट इज क्रिएटेड, ऑन द बेसिस ऑफ हाउ इट इज क्रिएटेड there are two types of contract, express and implied contracts. Express contracts convey the subject matter of the agreement by the words of mouth or by written. ठीक है, हमने कहा भाई चलो ठीक है आप मुझे डिनर कराना, हम आपको लंच क्या कहते हैं टॉपिक में, ये टॉपिक लॉ में पढ़ा देंगे, तो वहाँ पे हमने बाई वर्ड्स ऑफ माउथ हमने अपने जो ऑफर था वो उसको एक्सप्रेस किया, so that is called express contract, means in that the subject matter is expressed either by words of mouth or by written words. ठीक है, तो वहां पर क्या है कि ये हमारा क्या है express contract है, लेकिन implied contract क्या है, that is not entered into the by, that is not entered into by words of mouth, that is entered into by an act or by an activity. मतलब वहां पर वो implied है, suppose that मैं बस स्टॉप पे बस का वेट कर रहा हूं और डीटीसी की बस स्टॉप पर आकर रुकती है और मैंने बस पे बोर्ड कर लिया, बस पे मैं चढ़ गया, तो अब मैं बस पे चढ़ गया हूं, इसका मतलब क्या है कि बस ने मुझे ऑफर दिया कि भाई 402 का रूट है वो जाएगी आश्रम जाएगी और मैं उस पर चढ़ गया, तो इसका क्या मतलब है, मैंने उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, मैंने कुछ रिटन वर्ड्स में या बाई वर्ड्स ऑफ माउथ नहीं कहा कि हाँ आई एम एक्सेप्टिंग योर ऑफर, मेरा एक्ट ऐसा था कि मैं बस पे चढ़ा तो उस एक्टिविटी से पता चल गया कि मैंने इस ऑफर को एक्सेप्ट किया, नाउ यू आर बाउंड टू टेक द टिकट फ्रॉम कंडक्टर। तुम ये नहीं कह सकते कि हमारे और कंडक्टर या हमारे और डीटीसी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है तो हम टिकट क्यों ले, नो, इट इज एन इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, तुम्हारे एक्ट ने तुम्हारी एक्टिविटी ने ऐसा प्रेजेंट किया कि यू हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। और दूसरा एग्जांपल ले लो, सपोज दैट तुम रेलवे स्टेशन पे खड़े हो, रेलवे स्टेशन पे कोई आकर तुम्हारा शू पॉलिश करने लगता है विदाउट बींग आज, तुमने उसको कुछ कहा नहीं, वो आकर के तुम्हारा शू पॉलिश करने लगा और तुमने उसको मना नहीं किया कि मत पॉलिश करो, तुम आराम से खड़े हो, ठीक है पॉलिश करने तो देखा जाएगा, तो इन दैट केस इट हैज बीन अज्यूम दैट ही हैज मेड एन ऑफर एंड योर एक्टिविटी शोज दैट यू हैव एक्सेप्टेड दैट ऑफर। अब पॉलिश कराने के बाद यू हैव टू पे द रिक्वायर्ड अमाउंट टू दैट शू पॉलिशर, जो भी शू पॉलिश कर रहा है उसको तुमको रिक्वायर्ड अमाउंट पे करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे एक्टिविटी ने ऐसा बताया कि यू हैव एक्सेप्टेड द ऑफर। ऑल दो तुमने कोई रिटर्न या कोई एक्सप्रेस वर्ड से नहीं बोला कि आई एम एक्सेप्टिंग योर ऑफर, यू हैव मेड एन ऑफर, वहां पे हमारे एक्ट से पता चल रहा है कि आई हैव एक्सेप्टेड एन ऑफर, तो दैट इज कॉल्ड इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में ये डिफरेंस है। नेक्स्ट है कॉजाई कॉन्ट्रैक्ट या कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट, कंस्ट्रक्टिव या क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट। अ कंस्ट्रक्टिव और क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट इज द एक्ट ऑफ पर्सन परमिटेड बाय लॉ बाय विच ही ऑब्लिगेट्स हिमसेल्फ टुवर्ड्स अनदर और बाय विच अनदर बाइंड्स हिमसेल्फ टू हिम विदाउट एनी एग्रीमेंट बिटवीन देम। मतलब वहां पे कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है लेकिन फिर भी हम एक दूसरे को बाइंड कर रहे हैं उस कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, इसका क्या मतलब है, कॉजाई कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बट एन ऑब्लिगेशन क्रिएटेड बाय लॉ। ये क्या है, एक ऑब्लिगेशन है, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। हम सपोज दैट मैं यहां पर हूं और कोई पर्सन अननोन है, हमने उसको कभी देखा ही नहीं, हमने उसको कभी जाना ही नहीं, बट स्टिल कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एंटर इनटू बिटवीन द पार्टीज। कैसे होगा, सपोज दैट मेरे नेबर में कोई मिस्टर ए रहते हैं, मिस्टर ए है,
मिस्टर ए हैं जो कि मेरे नेबर में रहते हैं, और मैं मिस्टर ए को बिल्कुल भी नहीं जानता क्योंकि दिल्ली में तो पता ही आसपास कौन रहता है, कोई किसी को नहीं जानता है। मिस्टर ए ने कोई ग्रोसरी ऑर्डर की थी तो डिलीवरी बॉय ने गलती से वो ग्रोसरी जो है मिस्टर ए की, वो मेरे घर पे, जो कि मैं मिस्टर बी हूँ, मेरे घर पे उसने डिलीवर कर दी ग्रोसरी बाय मिस्टेक, और मैंने उस ग्रोसरी को कंज्यूम भी कर लिया, तो अब मिस्टर ए जो है ही कैन रिकवर द रिक्वायर्ड अमाउंट फ्रॉम मी, क्योंकि वहाँ पर एक ऑब्लिगेशन हो जाता है विच इज़ क्रिएटेड बाई लॉ कि मैं उस ग्रोसरी का वेट करूँ कि शायद इसका रियल मालिक आ जाए और मुझे वो ग्रोसरी उसी हालत में उनको क्या करनी है, हैंड ओवर करनी है। तो वहाँ पर क्या है, कॉज़ाई कॉन्ट्रैक्ट, वहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट हम दोनों के बीच, मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पर क्योंकि गलती से एक ग्रोसरी डिलीवर हो गई थी तो इन दैट केस इट इज़ द ऑब्लिगेशन ऑफ मिस्टर बी टू डिलीवर या टू हैंड ओवर द ग्रोसरी टू मिस्टर ए एज इट इज, ठीक है। लेकिन अगर उन्होंने कंज्यूम कर लिया है तो उनको उसे पे करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन जैसे पेरिशेबल गुड्स हैं तो पेरिशेबल के गुड्स में ऐसा नहीं है कि हम 2 दिन 4 दिन हफ्ते भर तक वेट ही करते रहे, भाई 2 दिन 4 दिन वेट किया उसके बाद नहीं आ रहा तो ठीक है, पेरिशेबल गुड्स है, आई कैन कंज्यूम दैट थिंग। लेकिन एक लिमिट, मतलब टाइम पीरियड है, एक मतलब रिक्वायर्ड टाइम पीरियड है, उस तक हमको वेट करना है, ठीक है। अगर नहीं ट्रेस हो पाता है, जैसे फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स है, सपोज दैट कोई पपी मुझे मिल गया रास्ते में, अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसके रियल ओनर को सर्च करूं, अपना एफर्ट लगा करके, एक मतलब कि जो रिक्वायर्ड एफर्ट है, पॉसिबल एफर्ट जो है लगाऊं, और क्या कहते हैं कि उसको सर्च करूं उसके रियल ओनर को, उसको हैंड ओवर करूं। ऐसा मतलब तुमने पॉसिबल एफर्ट लगा लिया, तुमने सब कुछ सारे एक्टिव कर लिए, उसके बाद भी तुम ट्रेस नहीं कर पाए, देन यू कैन यूज़ दैट गुड्स, तब तुम यूज़ कर सकते हो। लेकिन फिलहाल के लिए तुम्हारे पर बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस हैं विच इज़ क्रिएटेड बाई लॉ कि तुम उसके रियल ओनर को सर्च करो और उसको हैंड ओवर करो। लेकिन अगर पॉसिबल एफर्ट्स लगाने के बाद भी और सर्च करने के बाद भी तुमको नहीं मिला, तो ऐसा थोड़ा कि तुम जिंदगी में उसको सर्च ही करते रहोगे, देन दैट गुड्स बिलोंग टू यू, तब वो तुमको मिल तुम्हारा है, लेकिन फिलहाल के लिए तुमको पॉसिबल एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो ये हमारा क्या है, कॉज़ाई कॉन्ट्रैक्ट है, जहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है लेकिन एक लीगल ऑब्लिगेशन है विच इज़ क्रिएटेड बाय लॉ। तो बहुत सारे केस में हमारे क्या है, कॉज़ाई कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लॉ में जो हम डिस्कस करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।